चैंपियन एंड रोजाना इन शो पिए भरपूर जिंदगी जिए। हमारी तरफ से तीन नाम चले गए थे। वो कौन से नाम है कमल सर? तीन नाम गए थे इसमें, एक अपना खोसू साहब थे, नासिर खोसा साहब, नासिर महमूद खोसू साहब थे, एक दोस्त खान साहब थे, एक और दोस्त थे सलमान सिद्दीक साहब का नाम इसमें मेरा ख्याल है कि वो थे। पीपल्स पार्टी की तरफ से एक नाम गया था, एक अच्छा नून की तरफ से गया था, एक गई तो फिर वो गया था, तीनों ने मिलकर एक नाम दिया। ठीक। ऑपोजिशन ने चेयरमैन नैब के लिए हुकूमत को चार नाम भिजवा दिए। जेजेआईएफए के रहनुमा कामरान मुर्तजा की न्यूज वन के प्रोग्राम प्राइम टाइम विद टीएम में गुफ्तगू। कामरान मुर्तजा का कहना था नून लीग ने नासिर खोसा, जेजेआई ने जस्टिस दोस्त मोहम्मद के नाम भिजवाए। पीपल्स पार्टी की तरफ से दो नाम साबिक सेक्रेटरी खारिजा जलील अब्बास जलानी और सलमान बशीर के नाम भिजवाए गए। तो इल्जाम साबित नहीं हुआ ना, इकामा निकल आया इनके ऊपर, तो ये इल्जाम साबित हो चुके हैं। जो एक बचा खुचा शायद निकाब था वो भी खींच दिया। इमरान खान फिल फॉर इस्तीफा दे झूठ बोलने के जुर्म में। नायब सदर मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज ने गैर कानूनी फंडिंग के जुर्म में वजीर आजम से फौरी इस्तीफा का मुतालबा कर दिया। कहा इमरान खान का ब्रांड खुलकर सबके सामने आ चुका है, भागने का मौका नहीं मिलेगा। लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा साबिक वजीर आजम किसी डील नहीं, अपनी सेहत की वजह से लंदन गए थे। नवाज शरीफ कब वापस आएंगे और कौन सा वक्त उनके लिए महफूज है उसका फैसला पार्टी करेगी। जाती गुफ्तगु टेप करने पर माजरत का भी मुतालबा कर दिया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपनी मार्च जो है इस हुकूमत के खिलाफ कराची से लेके इस्लामाबाद तक 27 फरवरी को मजार कायद से शुरू होगा और हम इस्लामाबाद हर सूरत में हर हालत में पहुंचेंगे। पीडीएम ने अपना मार्च का ऐलान करने से पहले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को इंगेज नहीं किया। बिलावल भुट्टो का 27 फरवरी से कराची से इस्लामाबाद तक मार्च का ऐलान। कहा पीडीएम ने मार्च के हवाले से मुशावरत नहीं की, पीडीएम अपना मार्च प्लान करे, पीपल्स पार्टी अपना करेगी। अगर ये कहा जा रहा है कि इदारे न्यूट्रल हैं तो हम यही चाहते हैं, सारे इदारे न्यूट्रल रहें। तर्जुमान पाक फौज के बयान का खैर मकदम करते हैं। इलेक्शन कमीशन से पीटीआई की फौरन फंडिंग की मजीद तहकीकात का भी मुतालबा। वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना है कि ओपोजिशन तहरीक अदम एतमाद लाना चाहती है तो जरूर ले आए, हुकूमत इत्तेहादियों के साथ मिलकर 5 साल पूरे करेगी। आर्मी चीफ को मजीद तौसी से मुतालिक अभी सोचा नहीं, नवंबर काफी दूर है। हमारी हुकूमत की सबसे बड़ी नाकामी एहतसाब का ना होना है। तमाम तरशवाहिद के बावजूद ये लोग बचकर निकल रहे हैं। शरीफ जो है 17 महीने हो गए हैं, उनका इलाज ही मुकम्मल नहीं हो रहा। वो तमाम टेप्स जो थी वो असली थी और अब उनके एतराफ के बाद उनमें थोड़ी सी अगर शर्म भी होती तो वो अपनी जो पोजीशन है सो कॉल्ड उससे वो हटती और माफी भी मांगती पाकिस्तान के आवाम से भी और मीडिया के लोगों से भी। 17 महीने हो गए, नवाज शरीफ का इलाज ही मुकम्मल नहीं हो रहा। मरियम नवाज की ऑडियो टेप असली थी, सहाफियों को गालियां देने पर मरियम नवाज को मुआफी मांगनी चाहिए। वज़ीर इत्तला'आत फवाद चौधरी कहते हैं शरीफ बरादरान जरदारी खानदान की हुकूमत कब की खत्म हो चुकी, दोनों पार्टियों को अपना नाम तब्दील करके जरदारियां और शरीफियां पार्टी रखना चाहिए, बच्चों को वक्त के साथ पता चल जाएगा सियासत क्या होती है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने चेयरमैन नैब को पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में पेश होने से रोक दिया। पीएसी समेत किसी भी कायमा कमेटी में पेश नहीं होंगे, डीजी नैब जावेद इकबाल की नुमाइंदगी करेंगे। चेयरमैन कमेटी ने इजलास एहतजाजन मुलतवी कर दिया, चेयरमैन नैब को दोबारा तलब करने का फैसला।
वजीर दिफा परवेज खट्टक को एबटाबाद में खिताब महंगा पड़ गया, गो खट्टक गो के नारे लग गए। खिताब में कहा, एबटाबाद वालों से बहुत मुतासिर हूं क्योंकि ये लोग बदतमीजी में नंबर वन है। मीडिया के खिलाफ भी बोले, तकरीर पर सहाफी और अवाम का एहतजाज, जलसा छोड़कर चले गए। कराची से खुसदार जाने वाली बारातियों की वैगन को खुसदार के इलाके वजमे को वहीर के मुकाम पर ट्रेलर से टकरा गई। हादसे में 6 अफराद मौत की नींद सो गए जबकि 15 से ज्यादा अफराद जख्मी हैं। तूफानी बारिशों के बाद बलूचिस्तान के इलाके के चपसनी में इमरजेंसी नाफिज, गवादर आफत ज़दा करार। इंतजामिया ने मुतल्लिका हुकाम को अलर्ट कर दिया। बलूचिस्तान हुकूमत और पाक फौज का मुतासरा इलाकों में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। पाक फजाई का C-130 तैयारा गवादर में इमदादी सामान लेकर पहुंच गया। कराची का मौसम औसम हो गया, दिन भर बादलों के डेरे, वक्फे वक्फे से कहीं हल्की और कहीं तेज बारिश, सर्दी की शिद्दत बढ़ गई। आजाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, मरी और खैबर पख्तूनख्वा के पहाड़ रुई के गालों से ढक गए। सयाहों की मौजें, बालाई इलाकों में खून जमा देने वाली सर्दी, शहरी घरों में महसूल होकर रह गए। लाहौर, इस्लामाबाद में बारिश के बाद ठंड बढ़ गई। जस्टिस की जेर सदारत इजलास में जुडिशल कमीशन ने कसरत राय से आयशा मलिक को सुप्रीम कोर्ट जज बनाने की सिफारिश कर दी। मामला हतमी मंजूरी के लिए पार्लियामानी कमेटी को भिजवा दिया। आर्मी चीफ से तुर्क डेप्टी चीफ ऑफ जनरल स्टाफ की मुलाकात, इलाकाई सिक्योरिटी, बाहमी दिलचस्पी और पेशावराना अमूर पर तबादला ख्याल। जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा, अफगानिस्तान में अमनो इस्तेहकाम वक्त की अहम तरीन जरूरत है, आलमी तवज्जो से अफगानिस्तान में किसी इंसानी बहरान से बचा जा सकता है। नए बलदियाती कानून के खिलाफ जमात इस्लामी का सिंध असेंबली के बाहर धरना 8वें रोज में दाखिल। हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं, कराची के आवाम को ट्रांसपोर्ट और तालीम से महरूम कर दिया गया है, हम अपने मकसद से पीछे नहीं हटेंगे। मुल्क में कोरोना केसेस फिर बढ़ने लगे, 1000 से ज्यादा नए केसेस रिपोर्ट। सदर आरिफ अलवी एक बार फिर कोरोना में मुब्तला, पीसीबी का भी खिलाड़ियों को बूस्टर डोज लगवाने का फैसला। लाहौर फैक्ट्री एरिया से मुबैना अगवा होने वाली चारों बच्चियां, रिक्शा ड्राइवर असगर के घर से बासियाब, मुलजिम गिरफ्तार। तर्जमान ऑपरेशंस विंग के मुताबिक बच्चियां अपनी मर्जी से रिक्शा ड्राइवर के घर गईं। बच्चियों को अदालत में पेश करके मजीद कानूनी कार्रवाई की जाएगी। पेशावर में सीएनजी स्टेशंस बंद करने के फैसले के खिलाफ टैक्सी और रिक्शा ड्राइवर्स का एहतजाज, रिंग रोड पर सीएनजी स्टेशन पर दावा, शीशे भी तोड़ डाले।